Hello dear students, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. In today's class, we will see what is work, its concept, okay, and its numericals. So let's start. So in the last class, we studied already the definition of work, right? What is work? It is the product of force and displacement. What I explained, that if this is a box and we have to push it, we have to apply some force. If I need to push this box, then I need to apply some force. So I apply some force, maybe of 50 newtons. And as a result, this object moves by 5 meter. Now, here the work done by the object will be force into displacement. That means 250 joules. And we all so studied the other SI unit for it, that was Newton meter. Now we will study the concept of work. Actually mein work hota kya hai? Ye maine aapko yahan pe dot kyun bola tha lagane ko? Wo hum dekhenge, theek hai? Uska concept ab hum dekhenge. Why dot, why not cross, okay? See, कॉन्सेप्ट जो है वर्क का वो ये कहता है दैट वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस मींस वर्क डिपेंड्स ऑन ए फोर्स बी डिस्प्लेसमेंट एंड सी angle between force and displacement. तीन चीजों पर आपका वर्क जो है वो डिपेंड करता है. नाउ एंगल हम कैसे मेंशन करेंगे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो वी मेंशन, बट हाउ डू वी मेंशन द एंगल? एंगल कैसे मेंशन करेंगे? सो फॉर दैट देयर इज अ टर्म कॉल्ड थीटा. थीटा दिस इज अ ग्रीक लेटर. जैसे हमारी इंग्लिश में लेटर्स होते हैं ए बी सी डी ई, वैसे ही ग्रीक में भी लेटर्स होते हैं अल्फा बीटा गामा थीटा नीटा ईटा, ये सब होते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे एंगल हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब आपका जो एंगल पहले आप लिखते थे ऐसे एंगल ए बी सी, नाउ यू विल नॉट राइट लाइक दिस, ओके, आप थीटा से लिखेंगे, ठीक है? ये साइन जो है रिप्लेस हो गया थीटा से, ओके. थीटा तो समझ में आया. क्या है थीटा? एंगल बिटवीन फोर्स एंड displacement, force और displacement के बीच का angle है. force और displacement के बीच का angle, this angle is theta. okay, now see, इन तीनों को मिलाकर जो formula बनता है actual, वो actual formula होता है W is equal to F dot S cos theta. अरे बाप रे, ये cos theta क्या चीज है? ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी नहीं है आपने, बट चलिए इसे ऐसे करते हैं, आप ऐसा समझिए इसको. cos एक टाइप का एंगल होता है. cos क्या होता है? एक टाइप का एंगल विच इज यूज्ड और विच रिप्रेजेंट्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन. जब ही आपके दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके कोई स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है, दैट मींस वहां पर कॉस थीटा जो है उसने अपना रोल प्ले किया है. ये कॉस क्या है समझिए, एक टाइप ऑफ एंगल है, एक टाइप का एंगल है जिसमें वैल्यूज जो है वो फिक्स रहती हैं. क्या वैल्यूज फिक्स रहती है समझेंगे जरा. अगर हम बात करते हैं अ
अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा में, थीटा अगर हो जाता है जीरो के इक्वल, अगर थीटा जीरो के इक्वल हो जाता है तो कॉस जीरो की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज वन, दिस वैल्यू इज फिक्स। अब डिटेल में इसे टेंथ में पढ़ेंगे मैथ्स में। नेक्स्ट, अगर इसी कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है तो कॉस 90 जो है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, दैट इज जीरो। एंड इसी थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो तो कॉस 180 जो होता है वो फिक्स होता है माइनस वन, माइनस वन। अब यहां इस चीज को इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करने की यहां पर कोशिश करते हैं। क्या बताया मैंने आपको, कॉस जो है वो एक टाइप का एंगल है जिससे वैल्यूज फिक्स हो जाती है, और ये एंगल कब लगता है, जब यहां पे डॉट होता है। अगर यहां क्रॉस होता है फिर कुछ और लगता है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए डॉट का मतलब है ये कॉस। अब देखिए, अगर हम कहते हैं व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन व्हाट, सेम डायरेक्शन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, चलो इधर बना देते हैं, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है ओके, इसके ऊपर यहां पे फोर्स लग रहा है, दिस इज फोर्स, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ओके। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम एंगल बनाएंगे तो देखेंगे फोर्स भी इधर ही जा रहा है, दिस इज एफ, एंड डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही जा रहा है, दिस इज एस। सो व्हाट इज द एंगल इन दिस केस, क्या एंगल है यहां पे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों इधर ही जा रहे हैं, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री। तो थीटा क्या हो चुका है, इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। अब देखिए यहां पे वैल्यू पुट कीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस इंटू वन, कितना आ गया एफ डॉट एस, ये वैल्यू कैसी आएगी, दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। जब फोर्स और डायरेक्शन, सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन द वर्क डन विल बी व्हाट, पॉजिटिव। वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब चलते हैं सेकेंड केस पे, सपोज कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको पुश तो इस तरफ कर रहे हैं बट जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर दिया। अगर ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस तो इस तरफ हो रहा है लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जिधर मोशन होता है उधर से ऑपोजिट एक्ट करती है। तो यहां पे अगर फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हियर, क्या एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो यहां पे देखिए एंगल है 180 डिग्री, दैट मींस थीटा यहां पे किसके इक्वल है 180 डिग्री के। नाउ पुट द फॉर्मूला, व्हेन, ये सेकेंड केस है आपका, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस,
राइट। नाउ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। सो वर्क डन क्या हो गया, एफ डॉट एस कॉस 180 डिग्री। नाउ चेक द वैल्यू ऑफ कॉस 180 कितना है, -1। पुट इट एफ डॉट एस इंटू -1। नाउ द वैल्यू बिकम्स -f.s विच रिप्रेजेंट्स व्हाट, अ नेगेटिव वैल्यू, विच मीन्स दैट इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन वर्क विल ऑलवेज कम आउट टू बी नेगेटिव। वर्क जो है वो कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड केस, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओके ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो लग रहा है नीचे से, नीचे पुल कर रहा है इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स सपोज, और जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ। नाउ इन दिस केस व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एफ और ये हो गया एस, क्या एंगल दिख रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री, इजंट इट, यस। तो यहां थीटा कितना मिल गया, 90 डिग्री। नाउ पुट इट व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस 90 डिग्री। नाउ चेक द वैल्यू ऑफ कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 इज व्हाट, 0, दैट मींस वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस इंटू 0, विच मीन्स वर्क डन इज 0। सो whenever force and displacement are perpendicular to each other, work done comes out to be 0. This is very 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 important, okay, this concept of work done positive, negative and 0, this comes in your question paper, questions maybe for 3 marks. This is also given in your NCERT. NCERT में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, यू में चेक, ओके। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो हियर आर टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क दैट वी स्टडीड, ओके। सो व्हाट इट इज, इट सेज दैट अ सूटकेस इज लिफ्टेड बाय अ पर्सन फ्रॉम द ग्राउंड, सो पर्सन ही इज कैरिंग अ सूटकेस, ही लिफ्ट्स इट फ्रॉम द ग्राउंड, he lifts it from the ground and he walked by 8 kilometers, okay. Now this suitcase is taken to 8 kilometers, 8 kilometers तक लेके गया ये person इस suitcase को। Now see, calculate the work done. Now in this question many of you must be doing F S, you will see 8 kilometers and you will calculate work done is equal to F dot S. But see here, here is what, the force being applied on the suitcase is in the downward direction, that is gravitational force, and this object is moved in this direction, that is displacement. So here the direction between force and the direction between displacement is what, 90 degree. So if it is 90 degree, then the angle will be what, 90 degree, so fs cos theta. Now f dot s cos 90, you do not have to like always write it, you may also write directly, ya to aap aise hi solve karke dikha sakte hain, that work done will be 0, f dot s into 0 will give work done is equal to 0, या तो आप ऐसे दिखा दीजिए या फिर सीधा लिखिए, since
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो एफ डॉट एस इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू जीरो. खत्म हो गई बात है ना. अब यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड आप कर सकते हैं यूज. Now coming to this question, it says that an object of mass 5 kg, it accelerates at the rate of 20 meter per second. एक object है 5 kg का, वो accelerate किया है 20 meter per second पे, per second square पे, and it moved by a distance of 70 meter, और 70 meter जो है वो आगे बढ़ा है. So write down the given conditions. Mass is given to be 5 kg. Acceleration is given to be 20 meter per second square. Displacement is given to be 70. We know that work done is equal to force into displacement. लेकिन हमें तो force नहीं पता. Force तो given नहीं है. लेकिन हमें ये पता है that F is equal to what? MA. Now put the values. Mass 5, A 20 and S 70. Now you will multiply it, you will get what? 70 and 2 zeros. So it is 7000 joule. So this is how we have to do the numericals of work done. It is not very difficult. Okay, one thing that you have to keep in mind is, sometimes the question says calculate energy. Okay, but the given conditions are suitable for the formula of work done only. So you have to remember that, this I'll discuss in next class also. You have to remember that work done is equal to energy. वर्क डन और एनर्जी एक ही तो बात है. गाड़ी में जितना पेट्रोल डालोगे, जितनी एनर्जी आप डालोगे, गाड़ी तो उतना ही चल सकती है ना. पेट्रोल खत्म और गाड़ी भी बंद हो जाती है. इसका मतलब एनर्जी खत्म एंड वर्क डन इज आल्सो फिनिश्ड. इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट डू मोर वर्क. एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट डू मोर वर्क देन इट्स एनर्जी. जितनी एनर्जी है उससे ज्यादा काम तो कर नहीं सकता है. सो वही कॉन्सेप्ट है. अगर आपको एनर्जी भी लिख के देते हैं, बिकॉज दिस ट्रिक, you know this, you will see in your exam, calculate energy और formula में put करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो work done का formula लग रहा है, तो ये कैसे. तो याद रखना ये सिर्फ word play है और कुछ नहीं. energy और work done एक ही बात है. okay, this I'll discuss in next class also, क्योंकि वहां पे energy के question में दे देते हैं calculate work done, और जो conditions होती है वो energy के लिए suitable होती है. so it is नथिंग टू बी यू नो लाइक वेरी सीरियस डिफरेंस. नहीं, दोनों एक ही है, दोनों की यूनिट भी जूल ही होती है. सो वन ऑफ द सेम थिंग्स. ओके, सो दिस इज इट फॉर टूडेज क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट काइनेटिक एनर्जी विच इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. ओके, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन वील स्विच टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप लोगों को बिना पढ़ाया समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.